Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum. Dear viewers, today we are going to solve the paper of SST General. This paper was held on 16 February 2024. पूरे पेपर को एक ही वीडियो में अपलोड कर लेते हैं. ये पेपर सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए SST General एजुकेशन डिपार्टमेंट में हो चुका है. So let's go to the paper and see. Look at this paper, dosto. This is paper type A. Paper type A. और ये 16 फरवरी 2024 को हो चुका है 11 बजे से 12 बजे तक. तो क्वेश्चन नंबर वन देखें. क्वेश्चन नंबर वन ये लिखा हुआ है कि ये एक्टिव पैसिव वॉइस का क्वेश्चन है. सेंटेंस दिया गया है, इसको पैसिव में कन्वर्ट करना है. द सेंटेंस इज माय पेरेंट्स हैव डन दिस टू हेल्प यू इन योर फाइनेंशियल क्राइसिस. तो दिस इज इन एक्टिव और इसका पैसिव जो होगा दोस्तों ऑप्शन सी. दिस हैज बीन डन बाय माय पेरेंट्स टू हेल्प यू इन योर फाइनेंशियल क्राइसिस. ऑप्शन सी करेक्ट. क्वेश्चन नंबर सेकंड इज आल्सो ऑफ एक्टिव एंड पैसिव. सेंटेंस दिया गया है डिफॉरेस्टेशन हैज रिड्यूस रेनफॉल इन द ट्रॉपिकल लैंड्स. तो इसको कन्वर्ट करना है पैसिव में. तो इसका पैसिव बनेगा रेनफॉल हैज बीन रिड्यूस्ड ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन एंड ट्रॉपिकल लैंड्स. ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन. एंड क्वेश्चन नंबर तीन देखे. वन वर्ल्ड सब्स्टिट्यूशन अ शॉर्ट पोइम आर स्पीच एड्रेस टू द स्पेक्टेटर्स आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ अ ड्रामा इज कॉल्ड एपीलॉग. ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है. एंड क्वेश्चन नंबर फोर देखे. वन वर्ल्ड सब्स्टिट्यूट इंटेंस फेयर ऑफ थंडर एंड लाइटिंग. इंटेंस फेयर ऑफ थंडर एंड लाइटिंग इज कॉल्ड एस्ट्रोफोबिया. एस्ट्रोफोबिया ऑप्शन डी. क्वेश्चन नंबर फाइव और सिक्स ये दोनों क्वेश्चन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट के हैं. तो ये देखिए डायरेक्ट सेंटेंस दिया गया. ही सेड दे विल बी यूजिंग माय कार फॉर द ट्रिप. ही सेड दे विल बी यूजिंग माय कार फॉर द ट्रिप. तो इसका पैसिव बनेगा ऑप्शन ए. ही सेड दैट दे वुड बी यूजिंग हिज कार फॉर द ट्रिप. ऑप्शन ए. क्वेश्चन नंबर सिक्स देखे. ये भी एक्टिव पैसिव का है. देखे यहां से आई सेड टू यू ही शुड नॉट बी ट्रस्टेड. आई सेड टू यू ही शुड नॉट बी ट्रस्टेड. तो इसका पैसिव बनेगा ऑप्शन सी. आई टोल्ड यू डेट ही शुड नॉट बी ट्रस्टेड. ऑप्शन सी करेक्ट है. क्वेश्चन नंबर सेवन देखते हैं. सेवन नंबर सिनोनिम ऑफ जर्मनी. जर्मन जी ई आर एम ए एन ई और इसका सिनोनिम है एप्लीकेबल. ऑप्शन ए. इसी तरह क्वेश्चन नंबर एट एंटोनिम ऑफ जीनियल. जीनियल दोस्ती को कहते हैं और इसका एंटोनिम रूट. ऑप्शन ए. नाइन नंबर क्वेश्चन देखिए. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कम्प्लेक्स सेंटेंस. कम्प्लेक्स सेंटेंसेस में ऑप्शन सी है. व्हेन द पार्टी एंडेड वी वेंट होम. दिस इज अ कम्प्लेक्स सेंटेंस. बाकी जो है वो सिंपल सेंटेंसेस है. क्वेश्चन नंबर दस है. सेलेक्ट दस ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का सेंटेंस है. इसमें सेंटेंस आपने सेलेक्ट करना है. तो करेक्ट ऑप्शन इसमें ऑप्शन बी है. ईच ऑफ द बुक्स इज इंटरेस्टिंग. 11 नंबर देखे. विच कंट्री वॉज द फर्स्ट टू रिकॉग्नाइज पाकिस्तान आफ्टर इंडिपेंडेंस. ईरान वॉज द फर्स्ट
who recognized Pakistan after independence? Option C correct है. 12 नंबर क्वेश्चन लिखा है, हु इश्यूड द लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर इन 1970? तो जनरल आगा मोहम्मद यहाया खान. द फर्स्ट एलएफओ ऑर्डर 1970 में इश्यू किया था, ऑप्शन बी है. 13 नंबर क्वेश्चन, इन विच ईयर पाकिस्तान बिकेम रिपब्लिक? 1956 इन द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन, ऑप्शन सी. 14 नंबर, विच वॉज द फर्स्ट अपोजिशन पार्टी इन पाकिस्तान? पाकिस्तान फर्स्ट अपोजिशन पार्टी वॉज आजाद पाकिस्तान पार्टी, ऑप्शन बी है. 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज एस्टेब्लिश इन 31 दिसंबर 1600. 16 दिसंबर या दिसंबर का महीना था 1600. क्वेश्चन नंबर 16, इन विच लैंग्वेज शाहवलीउल्लाह ट्रांसलेटेड द होली कुरान? पर्शियन में किया था, पारसी जुबान में, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन. और क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, विच सिटी हेल्ड द ओआईसी कॉन्फ्रेंस इन 1997? इस्लामाबाद, ऑप्शन डी है. क्वेश्चन नंबर 18, जिहान आरा बेगम शाहनवाज फ्रॉम पंजाब फाउंडेड द पंजाब प्रोविंशियल मुस्लिम वुमेन्स लीग इन 1935, ऑप्शन बी है. 19 नंबर क्वेश्चन, द स्टार ऑन द नेशनल फ्लैग रिप्रेजेंट व्हाट? लाइट एंड नॉलेज, ऑप्शन बी है. 20 नंबर क्वेश्चन, हाउ मेनी शहीद हैव रिसीव्ड निशानी हैदर? अभी तक 11 शहादा ने निशान हैदर वसूल किया है, ऑप्शन बी है. और 21 नंबर क्वेश्चन, इन विच हिजरी गज़वा ओहद वाज फाट? तल हिजरी, ऑप्शन बी. 22 नंबर क्वेश्चन, इन विच सूरा द इंसिडेंट ऑफ मेराज हैज बीन डिस्कस? सूरह बनी इसराइल, ऑप्शन बी है. 23 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज वही मतलू? वही मतलू, ऑप्शन सी इसमें देखे, वही सेंड बाय अल्लाह थ्रू जिब्राइल अलैहिस्सलाम एंड ही टॉट प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम एज टू हाउ इट शुड बी डिलीवर्ड और परफॉर्म्ड. क्वेश्चन नंबर 24, विच सूरह ऑफ द होली कुरान हैज टू सजदास? सूरह अल हज में दो सजदे हैं, ऑप्शन डी. 25 नंबर क्वेश्चन, आउट ऑफ द फोर खुलफाए राशिदीन हाउ मेनी वर मार्टर? खुलफाए राशिदीन में तीन जो थे वो शहीद कर दिए गए थे, ऑप्शन सी है. 26 नंबर क्वेश्चन, हाउ मेनी प्रॉफिट्स हैव बीन मेंशन इन द होली कुरान? 25 प्रॉफिट्स, ऑप्शन बी करेक्ट है. 27 नंबर क्वेश्चन, हाउ मेनी सूरा हैव बीन नेम्ड आफ्टर प्रॉफिट्स? प्रॉफिट पैगंबरों के नाम पर 6 सूरों का नाम है, ऑप्शन डी है. तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पेज नंबर सेकंड की तरफ. क्वेश्चन नंबर 28 देखे, अमंग द उम्हातुल मोमिनीन हु वाज द लास्ट वन टू लीव दिस वर्ल्ड? उम्हातुल मोमिनीन में सबसे आखिर में कौन वफात पा गई थी? हजरत उम्मी सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, ऑप्शन डी द करेक्ट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 29, हाउ मेनी सजदास आर इन मक्की सूरास? मक्की और मदनी सूरा, तो मक्की सूरा में 12 सजदे हैं और मदनी में 2 हैं. ये इंतहाई आम क्वेश्चन है, याद रखें. क्वेश्चन नंबर 30, इन विच हिजरी वुजू? वुजू कब फर्ज हुआ था? 5 हिजरी में, ऑप्शन डी है. 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी? सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी का सिग्निफिकेंस, अहमियत क्या है? ऑप्शन बी देखिए, कंट्रीब्यूटिंग टू द वेल बीइंग ऑफ द कम्युनिटी. 32 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द फोकस ऑफ सिविक्स एजुकेशन? ऑप्शन
बी देखे, यहां पर भी ऑप्शन बी, अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ गवर्नमेंट। 33 नंबर क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ सिविक्स। प्राइमरी फोकस ऑफ सिविक्स जो है स्टडी ऑफ सिटीजनशिप एंड गवर्नमेंट, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट है। 34 नंबर क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म पब्लिक पॉलिसी। पब्लिक पॉलिसी ऑप्शन बी को देखिए, गवर्नमेंट एक्शंस एंड डिसीजंस टू एड्रेस पब्लिक इश्यूज। 35 नंबर क्वेश्चन, व्हाट सोशल साइंस इज कंसर्न विद द स्टडी ऑफ द अर्थ्स फीचर्स एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन सोसाइटीज, दैट इज ज्योग्राफी, ऑप्शन सी है। 36 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द स्टेट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सिविक्स, ऑप्शन बी देखिए, अ सोवन पॉलिटिकल एंटिटी विद डिफाइंड बॉर्डर्स। और क्वेश्चन नंबर 37 को देखते हैं, 37 नंबर, व्हाई इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सिटीजनशिप इंपॉर्टेंट इन स्टेट। इट इज व्हाई इंपॉर्टेंट, इट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज, ऑप्शन सी को देखिए, टू एस्टेब्लिश अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। 38 नंबर, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द फैमिली इन सिविक्स, प्रोवाइडिंग एजुकेशन, ऑप्शन बी है। 39 नंबर, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द फैमिली एंड सिटीजनशिप इन सिविक, यहां पर करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी है, फैमिली। फैमिलीज प्ले अ क्रूशियल रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स। 40 नंबर क्वेश्चन, हाउ डज द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्मोपॉलिटन सिटीजनशिप डिफर फ्रॉम ट्रेडिशनल नोशन ऑफ सिटीजनशिप, करेक्ट ऑप्शन इसमें ऑप्शन बी है, ट्रेडिशनल सिटीजनशिप इज बेस्ड ऑन लॉयल्टी टू अ नेशन व्हाइल कॉस्मोपॉलिटन सिटीजनशिप एम्फेसाइजेस ग्लोबल आइडेंटिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब इसके बाद 10 क्वेश्चन उर्दू के हैं। 41 नंबर, उर्दू नजम का बानी किसे कहा जाता है। उर्दू नजम का बानी किसे कहा, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी है, नजीर अकबर आबादी। 42 नंबर क्वेश्चन, उर्दू गजल की इब्तिदा किस शायर ने की। ये उर्दू गजल की जो है ये वली दकनी, ऑप्शन सी है। 43 नंबर क्वेश्चन, मिस्रा के लघवी माने क्या है दरवाजे का पट्टा, ऑप्शन बी है। 44 नंबर क्वेश्चन, मिर्जा गालिब का अव्वलीन तखल्लुस किया था असद था असद, ऑप्शन डी। 45 नंबर क्वेश्चन, सवानेह मौलाना रूम किस मुसन्निफ की किताब है। ये किस मुसन्निफ की किताब है, मौलाना शिबली नोमानी की है। 44 नंबर क्वेश्चन, उर्दू का पहला ड्रामा निगार किसे कहा जाता है। 46 नंबर क्वेश्चन, ये अमानत लखनवी, ऑप्शन बी है। 47 नंबर क्वेश्चन, मिर्जा गालिब ने कोलकाते का सफर किस मकसद के लिए किया था, पेंशन के लिए किया था, ऑप्शन ए है। और 48 नंबर क्वेश्चन, उर्दूई मुअल्ला किस शायर की किताब है। उर्दूई मुअल्ला किस शायर की किताब है, ये मिर्जा गालिब की है, ऑप्शन डी है। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, 49, शहाबनामा किस मुसन्नब की आबेती है, कुदरतुल्ला शहाब की है। और 50 नंबर क्वेश्चन, शबीर हुसैन किस शायर का असल नाम है, जोश मली आबादी का, ऑप्शन ए। तो ये हो गया पेपर कंप्लीट। लाइक शेयर लाजमी क्या करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।